हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, चैप्टर 7 ग्रेड 6 सीबीएसई का, और चैप्टर का नाम है फेयर प्ले। ये दो फ्रेंड्स के बारे में है, जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी, जो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और अपनी दोस्ती के लिए पूरे गांव में जाने जाते हैं। इस चैप्टर से हमें एक ये लेसन मिलता है कि ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा जस्टिस और सही चीजों को ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए अपनी लाइफ में। डेफिनेटली फ्रेंडशिप भी एक और बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी जिंदगी का, बट जो सही है उसे सही बोलना ही बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में आ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। जुम्मन शेख एंड अलकू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स, सो स्ट्रॉन्ग दैट देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट व्हेन ईदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज। सो यहां पर ये बताया जाता है, लुक्ड आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर। तो यहाँ पर ये बताया जाता है कि दो लोग होते हैं, एक का नाम है जुम्मन शेख और दूसरे दोस्त का नाम है अलगू चौधरी। दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, सच्ची दोस्ती निभाते हैं और इन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी होती है, तो वो इतनी गहरी होती है कि पूरे विलेज में उनकी दोस्ती को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, कि वो एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं, कि अगर एक गांव से बाहर गया है, विलेज से बाहर गया है किसी काम के लिए, तो दूसरा जो है उसकी फैमिली का ध्यान रखेगा। Juman had an old aunt who had some property. She had transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her. The arrangement worked well for a couple of years. Then the situation changed. Juman and his family were tired of the old relative. Juman became as indifferent. Indifferent ka matlab who did not care. As indifferent as to her as his wife, who grudged. Grudge का मतलब होता है who always felt angry, पसंद ना करना, even the little food that the old lady wanted every day. She swallowed these insults, मतलब tolerate करती थी ये सब कुछ. She swallowed these insults along with her food for a few months, but patience has its limit. तो ऐसा होता है किस्सा कि जो जुम्मन है उन दोनों में से एक दोस्त, उसकी जो एक आंट होती है वो बोलती है कि बेटा मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, तो मेरे नाम पे जो प्रॉपर्टी है वो मैं आपके नाम पे कर देती हूँ। और वो दोनों एक अरेंजमेंट करते हैं, अरेंजमेंट का मतलब एक ऐसा प्लान करते हैं कि मैं आपके पास रहूंगी और मेरा जो भी खाना वगैरह होगा आप मुझे दे देना। तो जुम्मन मान जाता है इस चीज के लिए, काफी साल अच्छे तरीके से निकल जाते हैं और फिर वो चिढ़ने लग जाते हैं उस ओल्ड लेडी से, जुम्मन और उसकी फैमिली। उनका बिहेवियर ही चेंज हो जाता है उस लेडी की तरफ, तंग आ चुके होते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते, उसको इज्जत नहीं देते, और यहाँ तक कि जो जुम्मन है वो भी नहीं केयर करता उस ओल्ड लेडी की। जैसे उसकी वाइफ उसको ट्रीट करती है ओल्ड लेडी को, वो भी वैसे अलाउ कर देता है ट्रीट करने के लिए। और जुम्मन की जो वाइफ होती है वो बिल्कुल पसंद नहीं करती वो जो लेडी खाना थोड़ा सा खाती है घर में। ओल्ड लेडी कितना ही खाना खा लेगी, लेकिन जुम्मन की लाइफ को वो बहुत खटकता है, उसे पसंद नहीं आता। तो ये जो ओल्ड लेडी है ये कुछ देर तक तो चलो महीनों तक इसको सहना शुरू कर देती है, सह लेती है, बट फिर उसकी बस हो जाती है, वो थक जाती है इस सबसे। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, माई सन, इट इज नाउ ऑब्वियस that I am not wanted in your house. Kindly give me monthly allowance. Allowance का मतलब होता है जो money आपको दिया जाता है, money given on regular basis. ठीक है? So, kindly give me monthly allowance so that I can set up a separate kitchen. My wife knows best how to run the house. Be patient. said Juman shamelessly. This made his aunt very angry and she decided to take her case to the village panchayat. तो यहाँ पर जब वो जुमन को बोलती है कि बेटा अब मेरी सबर का इम्तिहान टूट चुका है, अब मेरे को और सह नहीं हो रहा, ठीक है, तो वो जुमन से बात कर रही होती है, तो वो बोलती है कि ऐसा करते हैं, अब आप
महीने के महीने मुझे कुछ पैसे दे दिया करना, मैं ज्यादा क्या ही खर्चा होगा, मेरा किचन ही निकालना है, मुझे अपना किचन का सामान ही लेना पड़ेगा, तो मैं एक अपना सेपरेट किचन ले लेती हूँ और वो मैनेज कर लूंगी। तो जुगन को बहुत गुस्सा आता है कि पैसे की बात कैसे कर दी, मैं क्यों आपको मंथली अलाउंस दूं। तो वो कहता है कि आप ऐसे कैसे मांग रहे हो, आपको पता नहीं है कि मेरी वाइफ जो है वो सारे घर के जो संभालती है, इतने अच्छे तरीके से संभालती है घर को, सारे घर के डिसीजंस लेती है, उसको ज्यादा अच्छे से पता है। और जब जुम्मन ऐसे बोलता है तो जो आंटी होती है वो बहुत ही गुस्सा गुस्से में आ जाती है, बहुत निराश हो जाती है, अपसेट भी हो जाती है, और वो सोचती है कि ऐसे तो जुम्मन मेरी रिस्पेक्ट करेगा नहीं, मुझे किसी ना किसी के पास तो जाना पड़ेगा हेल्प लेने के लिए। तो वो डिसाइड करती है कि विलेज की जो पंचायत होती है, विलेज का जो काउंसिल होता है जहाँ पे विलेज के मैटर्स डिस्कस किए जाते हैं, मैं वहां जाकर उनसे बात करूंगी। फॉर मेनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। सम सिंपथाइज, सिंपथाइज मतलब उसको सपोर्ट करना, उसको अग्री करना। सम सिंपथाइज्ड विद हर, others laughed at her and a few advised her to make it up matlab come to an agreement matlab samjhota kar lena, to make it up with her nephew. Nephew kaun hota hai, is generally the son of one's, ek kisi ke bhai brother ya jo sister ka bachcha hota hai usko hum nephew bolte hain, to make it up with the nephew and his wife. At last she came to Algu Chaudhary and spoke to him. You know, Chachi, Juman is my best friend. How can I go against him? Algu said. But it is right, my son, to keep mum silent rehna, quiet rehna, to keep mum and not say what you consider just and fair, pleaded the old lady. Come to the panchayat and speak the truth. Algu didn't reply, but her words kept ringing in his ears. तो यहाँ पर जो old lady होती है वो अपना you know सब लोगों के पास village में जाती है और बोलती है कि यार ऐसे करके मेरा ये situation है, सबको detail में सारा matter समझाती है और बोलती है कि मेरी मदद करो, मतलब पंचायत में मेरा साथ देना जब कोई decision हो रहा होगा। तो काफी अलग अलग तरीके के रिस्पॉन्स उसको मिलते हैं, कुछ लोग उसको सपोर्ट करते हैं कि बिल्कुल ठीक बात है, हम आपके साथ हैं, कुछ उसका मजाक उड़ाते हैं और कुछ बोलते हैं अरे छोड़ो लड़ाई बड़ाई में क्या रखा है, आप अपने नेफ्यू के साथ पैच अप कर लो, क्योंकि ऐसे अकेले कितनी देर मैनेज हो पाएगा। तो फाइनली जो आंट होती है वो मिलती है अल्गू चौधरी से, जो जो मनशेख का दोस्त होता है, बेस्ट फ्रेंड, और उसको बोलती है कि मेरी मदद करो। तो वो अल्गू बोलता है चाची मैं आपको पता है ना कि मतलब मैं कैसे मदद कर दूं, मैं अपने दोस्त के अगेंस्ट कैसे जा सकता। तो जो चाची होती है, जो ओल्ड लेडी होती है, वो उसको रिक्वेस्ट करती है कि बेटा एक सवाल पूछना चाहती हूँ मैं तुमसे, क्या ये सही है कि तुम चुप रहो और कुछ ना बोलो जब तुम्हें पता है कि कुछ गलत हो रहा है। तो वो बोलती है मैं चाहती हूँ कि तुम पंचायत में जाकर उस चीज का साथ दो जो बिल्कुल सही है। अल्गू बहुत हेसिटेट करता है, उसको समझ नहीं आता कि मैं क्या बोलूं, उसको ये भी लगता है कि कुछ बातें प्राइवेट में ही करे तो बेहतर है, बट कुछ बोलता नहीं है। बट फिर मतलब उसके दिमाग में वो चीजें चलती रहती हैं, वो सोचना शुरू कर देता है उस चीज के बारे में कि सच में क्या सच के साथ खड़े होना बहुत जरूरी है, ये मुझे स्टेप लेना चाहिए या नहीं। तो चलिए पार्ट टू में देखते हैं क्या होता है। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियन ट्री। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, द वॉइस ऑफ पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, लेट माय आंट नॉमिनेट, नॉमिनेट का मतलब प्रपोज करना या सुजेस्ट करना, लेट माय आंट नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन। तो पंचायत मीटिंग होती है गांव के लोगों की उसी शाम को, और वो एक ट्री के नीचे, बनियन ट्री के नीचे होती है। तो जुम्मन खड़ा हो जाता है और कहता है अरे मैं पंच के फैसले में मानता हूँ, मुझे लगता है कि जो पंच है
वो जो भी डिसीजन लेंगे वो सही ही लेंगे, क्योंकि पंच में भगवान बसता है, इतने ईमानदार होता है पंच। तो पंच की आवाज इस भगवान की आवाज। तो ये बोलकर वो बोलता है कि गांव के जिस भी इंसान को चाची आप या आंटी आप पंच बनाना चाहते हैं, हेड जज बनाना चाहते हैं, पंच कौन हो गया यहाँ पर, हेड या मोस्ट इम्पोर्टेंट जज, आप बनाइए, आप जिसको भी जिसका नाम भी लेंगी मैं वो मान लूंगा, उसका नाम एक्सेप्ट कर लूंगा। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी, व्हाट डू यू से टू अल्लू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। फाइन, replied Jubin, hiding his joy over his unexpected piece of luck. Chachi, you are aware of my friendship with Jubin, said Alku. I know that, replied the aunt. But I also know that you will not kill your conscience. Conscience ka matlab hota hai moral sense of being right or wrong. For the sake of friendship, God lives in the heart of the punch, and his voice is the voice of God. And the old lady explained her case. Jubin, asked Alu, you and I are old friends. Your aunt is as dear to me as you. Now I am a punch, a judge. You and your aunt are equal before me. You have of what you have, what have you to say in your defense? Defense का मतलब अपने protection के लिए आपने क्या बोलना है? 3 years ago, began Jubin, my aunt transferred her property to me. I promised to support her as long as she lived. I have done all I could. Then, there have been a couple of quarrel, which means fights, between my wife and her, but I can't stop it. Now my aunt is claiming a monthly allowance from me. This is not possible. That's all I have to say. तो जो aunt होती है, वो बोलती है कि अब मैं पंचायत के पास जाऊंगी और पंचायत arrange भी हो जाती है उसी evening. तो ऐसा बोला जाता है कि जो punch है, ओल्ड लेडी बोलती है कि जो पंच है वो हमेशा सही डिसीजन लेंगे, बायस नहीं होंगे, मतलब किसी के फेवर में नहीं लेंगे, हमेशा इम्पार्शियल डिसीजन लेंगे। तो वो बोलती है कि अलगू चौधरी जो है वो पंच बनेंगे। तो जुम्मन बड़ा ही खुश हो जाता है, बहुत ज्यादा खुश, बट अभी उसे पता नहीं होता कि उसकी किस्मत में क्या लिखा है। तो अलगू चाचू चाची को बोलता है कि चाची आपको पता है ना मेरा जुम्मन बहुत अच्छा दोस्त है। तो चाची बोलती है कि हाँ बेटा मुझे पता है, बट साथ में मुझे ये भी पता है कि जब तुम पंच बन गए हो तो तुम अपनी दोस्ती को साइड रख के जो सही चीज है उसका साथ दोगे, क्योंकि पंच के जो दिल है उसमें भगवान बसता है और पंच की आवाज जो होती है वो भगवान का मैसेज लेकर आती है। उसके बाद जो चाची होती है, जो ओल्ड लेडी होती है, वो सबको डिटेल में अपनी बात बताती है कि ऐसे ऐसे करके बात हुई थी। उसके बाद बारी आती है जुम्मन की। तो अलगू बोलता है कि जुम्मन आपको क्या बोलना है अपनी प्रोटेक्शन में, अपने डिफेंस में, क्योंकि इस टाइम पे जब मैं पंच बन ही गया हूं, हालांकि आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन जो आपकी आंटी है वो भी मुझे बहुत प्यारी है, और साथ में ही आप और आंटी इस टाइम पे दोनों मेरे लिए बराबर हो। मेरे लिए इस टाइम पे अपनी दोस्ती ज्यादा ऊपर नहीं है, आप दोनों बराबर हो। तो जुम्मन सबको बताता है कि ऐसा हुआ था कि जो मेरी आंटी है उन्होंने बोला था कि मैं ट्रांसफर कर देती हूँ, तुम्हारे नाम कर देती हूँ अपनी प्रॉपर्टी, और तुम मेरा ध्यान रख लेना, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम्हारी फैमिली और तुम लोग मिलकर जो भी मेरे को खाने वगैरह का जरूरत होगी वो मेरा ख्याल रख लेना। तो वो कहता कि मैंने जितना मेरे बल हो पाया मैंने उतना किया, बट बीच में इनकी और मेरी वाइफ की लड़ाइयां होनी शुरू हो गई, और ऐसे मैटर्स में मतलब अब मैं क्या ही बोल सकता था, क्या ही कर सकता था, कुछ भी नहीं कर सकता था। तो हुआ ये कि ये चीजें कंट्रोल से बाहर जाने लगी, और आंटी ने मेरे को बोला कि अब तुम मेरे को रोज
रोज तो नहीं मतलब महीने के महीने पैसे दे दिया करना, मैं अपना किचन रखना चाहती हूँ, खोलना चाहती हूँ, या मेरा अपना किचन होना चाहिए, और मेरे लिए अब ये पॉसिबल नहीं है कि मैं इनको हर महीने पैसे दे सकूं। जुम्मन वाज क्रॉस्ड एग्जामिन, क्रॉस एग्जामिन का मतलब क्वेश्चन्ड, क्रॉस एग्जामिन बाय अलगू, क्या ऐसे हुआ था, ये हुआ था, और बाकी लोगों ने भी उसको क्वेश्चंस पूछे। फिर अलगू अनाउंस्ड, वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली, इन आर ओपिनियन, हमारे व्यू में जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। तो जुम्मन ने जो सब जो भी मैसेज दिया था, उसके बाद अलगू ने उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे कि ऐसे हुआ था, ये हुआ था, बाकी भी जितने लोग वहां पर बैठे थे गांव के, सबने उससे क्वेश्चन पूछे ऐसे ऐसे। अच्छा ठीक है, तो जब सब बातचीत हो गई, क्वेश्चंस खत्म हो गए, तो अलगू ने बोला कि अब हमने डिसीजन ले लिया है, सारी इंक्वायरी सारी कहानी सुनने के बाद, दोनों पक्ष सुनने के बाद हमने ये डिसीजन लिया है कि ये पंच का फैसला है कि जुम्मन को मंथली अलाउंस मतलब हर महीने पैसे देने पड़ेंगे आंटी को, या फिर उनकी प्रॉपर्टी उनको वापस दे दी जाए। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन विद ईच अदर, बहुत कम, रेयरली। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन। इन फैक्ट जुम्मन वाज अलगूस एनिमी एंड वांटेड हिज रिवेंज, व्हिच मींस बदला। तो जब ये डिसीजन सुना दिया अलगू ने, तो दोनों दोस्तों के बीच में दरार आ गई, उनकी दोस्ती टूट गई, विलेज के लोगों ने उनको इकट्ठे फिर देखना ही बंद कर दिया, मतलब दिखे ही नहीं वो कभी। और जुम्मन को लगा कि मेरे को दिल पे इसने चोट पहुंचाई है अलगू ने, अब मैं इसका बदला लूंगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। Part 3। डेज पास्ड एंड एज इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। टाइट स्पॉट का मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइड एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, अ कार ड्राइवर। ये कार ड्राइवर, अ कार ड्राइवर ऑफ द विलेज। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन अ मंथ्स टाइम। It so happened that the bullock died within a month. अब जी कहानी दूसरी शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद अलगू का नंबर लगता है, उसकी किस्मत फूट जाती है और वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन में आ जाता है। तो कहानी ये थी कि अब अलगू जिस जो पंच बना था जुम्मन के केस में, उसके पास दो बैल थी, बुलक थी, तो बहुत अच्छी क्वालिटी की, और एक की डेथ हो जाती है तो उसको लगता है कि अब मुझे दूसरी बेच देनी चाहिए, तो वो दूसरी जो पुलक होता है उसको बेच देता है समझू साहू को, जो कार्ट चलाता होता है सामान या लोगों को इधर से उधर पहुंचाने के लिए। तो जो दोनों के बीच में बात हुई वो ये हुई कि साहू बोलता अलगू को कि यार अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तुम्हारे इस बुलक का पैसा एक महीने तक कमा के दे दूंगा। बट होता क्या है कि वो भी जो बुलक होती है जो समझू ने ली होती है, वो भी एक महीने के अंदर अंदर मर जाती है। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलक्स डेथ, अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैडंट येट पेड। साहू गॉट वेरी अनॉयड, आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रेच्ड, रेच्ड मीन्स पुअर सैड अनहैप्पी बीस्ट, यू सोल्ड मी। He brought us nothing but ruin. Ruin का मतलब आप ये कह सकते हो bad luck. I have a bullock. Use it for a month and then return it to me. No money for the dead bullock, he said angrily. तो काफी महीने निकल जाते हैं और साहू पैसे नहीं देता उसके बुलक के जो उसने लिए थे। तो वो उसको याद आता है लोगों की, नहीं यार अब मुझे जाके पैसे मांगने चाहिए। तो वो साहू के पास जाता है, साहू को बहुत गुस्सा है, होता है साहू कितना पैसे कैसे मांगने आ गए तुम, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा मैं उस पुअर एनिमल की जो तुमने मुझे बेचा था, कुछ फायदा नहीं हुआ उससे, इनफैक्ट पूरे दिन आ गए मेरे ऊपर उसकी वजह से। तुम्हें ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो तुम ऐसा करो, मेरे पास एक बुलक है, तुम उसे ले जाओ
एक महीने तक यूज करो, हिसाब बराबर हो जाएगा और फिर वो गुल्लक मुझे वापस कर देना। बट पैसे की बात मत करना, पैसा नहीं दूंगा मैं उस मरी हुई गुल्लक का तुम्हें। जब बेची थी तब तो वो खैर जिंदा थी, बट एक महीने में मर गई। Alagu decided to refer the case to the panchayat. For a second time in a few months, preparations for holding panchayat were made and both the parties started meeting people seeking their support. अब अलगू को लगता है कि यार ये सारा का सारा मैटर मेरे हाथ से तो बाहर है, अब मुझे किसी वाइज और सेंसिबल बंदे के पास जाना चाहिए और मुझे लगता है कि मुझे भी अपना केस लेकर चाची की तरह पंचायत के पास जाना चाहिए। तो वो पंचायत के पास ले जाता है अपना केस, और ये दूसरी बार होता है कि कुछ महीनों के अंदर अंदर ही पंचायत मिल रही होती है, पहले जुमन के केस में और एक अलगू के केस में। तो दोनों पार्टीज पंचायत में जाने से पहले क्या करती हैं, विलेज के सारे लोगों को मिलकर सपोर्ट लेती हैं, नहीं नहीं भाई मेरे साथ गलत हुआ है, नहीं नहीं भाई मेरे साथ गलत हुआ है, नहीं आप ये देखिए ये वो। तो द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द बनियन ट्री, ओल्ड बनियन ट्री। अलगू स्टूड अप एंड सेड, द वॉइस ऑफ पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, लेट्स साहू नॉमिनेट, व्हिच मींस रेकमेंड The head punch. I will abide by his decision. तो पंचायत दोबारा से वहीं पे मिलती है जहां पर पिछली बार मिली थी, ओल्ड बनियन ट्री के नीचे। तो इस बार अलगू खड़ा होता है और बोलता है कि अरे वॉइस ऑफ पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, पंच में तो भगवान बसता है और वो हमेशा फेयर और जस्ट डिसीजन ही लेगी, बिल्कुल सही डिसीजन लेगी। तो ये बोलकर साहू अलगू बोलता है कि साहू तुम्हें जिसको पंच बनाना है गांव में से उसको पंच बना डालू और मैं वो डिसीजन तुम्हारा मानूंगा, बिल्कुल एक्सेप्ट करूंगा। साहू saw his chance and proposed the name of Juman. अलगू's heart sank. ओहो, ये तो सिचुएशन ही अलग हो गई। हार्ट सैंक का मतलब होता है जब आप Your hope fails, जब आप discouraged हो जाते हो, disappointed हो जाते हो, and he turned pale. But what could he do? तो साहू को लगता है कि ये तो बहुत ही अच्छा मौका है, मैं चुपचाप से अलगू के दुश्मन का नाम ले देता हूँ जिसका नाम था जुमन। तो वो उसका नाम ले देता है। अलगू जैसे ही उसका नाम लेता है उसको बड़ा कमजोर महसूस होता है, disappointed, disheartened. उसको लगता है अब तो गया, प्रॉब्लम हो ही गई ऐसे। बट क्या ही कर सकता था वो, उसने पहले बोला था कि तुम जिसका नाम लोगे वो मैं मानूंगा। द मोमेंट जुमन डिक्लेयर्ड, द मोमेंट जुमन बिकेम द हेड पंच, ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ? He thought and thought. No, he must not allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice. तो जैसे ही उसको पता लगता है कि यार अब मैं पंच बन गया हूं, उसको एकदम से समझ आ जाता है कि जज बनना क्या होता है, आपकी कितनी इज्जत होती है, लोग आप में कितना विश्वास करते हैं। तो उसके अंदर से एक आवाज आती है कि मुझे अब सही करना चाहिए, ये टाइम नहीं है इस मौके पे कि मैं अपना बदला लूं। जब मैं पंच बन गया हूं तो लोग मेरे पे भगवान जितना भरोसा करते हैं और मुझे इस टाइम पे अपने जो पर्सनल रिलेशंस हैं, पर्सनल फीलिंग्स हैं, उनको ओवरपावर करके मतलब जस्टिस और ट्रुथ के रास्ते में नहीं लाना चाहिए। मतलब मेरे पर्सनल रिवेंज बाद में होंगे, बदले बाद में होंगे, अभी मुझे जिस चीज को सबसे ज्यादा मानना चाहिए वो है जस्टिस, सच। बोथ अलगू एंड साहू स्टार्टेड देयर केसेस, दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड, क्रॉस एग्जामिन्ड का मतलब क्वेश्चन्ड, एंड द केस वाज कंसिडर्ड डीपली। देन जुमन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड, इट इज आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ बुलेट। When Sahu brought the bullock, it suffered from no disability or disease.
The death of the bullock was unfortunate, but Alku cannot be blamed for it. Alku could not contain his feelings. He stood up and said loudly, over and over again, "The victory to the panchayat. This is justice. God lives in the voice of the panch." तो दोनों अलगू और साहू, जिनके बीच में बुलक का ट्रेड हुआ था, उनको दोनों को मौका दिया गया अपना अपना व्यू, अपना अपना पॉइंट रखने के लिए सबके सामने। उसके बाद दोनों को क्वेश्चन किया गया सब डिटेल्स जानने के लिए, ताकि अच्छे से डिसीजन लिया जा सके। और ये सब सुनने के बाद जुम्मन जो है वो खड़ा हुआ और उसने बोला कि पंच ने अपना डिसीजन ले लिया है। पंच की नजर में साहू को अलगू को पैसे देने चाहिए बुलक के, और उतने ही पैसे देने चाहिए जितने तय किए गए थे जब बुलक को खरीदा गया था। ये इसलिए क्योंकि जब बुलक को खरीदा गया था तब उसको कोई बीमारी नहीं थी, कोई सफरिंग नहीं थी, कोई पेन नहीं थी, वो सही थी उनके नजर में, तभी तो साहू ने खरीदा था। और जो बुलक की डेथ हुई, हम मानते हैं वो बहुत बैड लक है, बुरी बात है, बट इसके लिए आप अलगू को तो नहीं जिम्मेदार ठहरा सकते। अलगू ने जैसे ही बात सुनी वो बहुत इमोशनल हो गया और वो खड़ा हुआ और जोर से नारे लगाने लग गया कि विक्ट्री ऑफ पंचायत, पंचायत की जीत हुई है, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस की बात की गई है, जस्टिस डिलीवर हुआ है और पंचायत की आवाज में सच में भगवान बसता है। सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू, embraced him, मतलब hugged him, and said, "Since the last panchayat, I had become your enemy. Today I realized what it meant to be a panch. A panch has no friend nor enemy. He knows only justice. Let no one deviate." Deviate का मतलब move away. "Deviate from the path of justice and truth for friendship or enmity," which means hatred. Alku embraced his friend and wept, cried. And his tears washed away the dirt of misunderstanding between them. अब जैसे ही जुम्मन ने ये सब देखा तो जुम्मन जो है अलगू के पास जाता है और उसको गले लगा देता है, उसको बोलता है, "Sorry भाई, हम दोनों दोस्त से दुश्मन बन गए थे जब लास्ट पंचायत हुई थी, क्योंकि तुमने चाची के फेवर में डिसाइड किया था, लेकिन आज जब मैं खुद पंच बना हूं तो मुझे इम्पोर्टेंस समझ में आई है पंच की, कि एक पंच को हमेशा फ्री, अनबायस्ड, इम्पार्शियल होना चाहिए, और उसका कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता जब कोई पंच बनता है। उसको सिर्फ एक चीज पता होती है, वो है ट्रुथ और जस्टिस। तो इस टाइम पे मैं चाहता हूं कि जब भी कोई पंच बने, कोई भी सच्चाई, ट्रुथ और जस्टिस के रास्ते से भटके ना, और अपनी दोस्ती और दुश्मनी को आगे मत लेकर आए कोई भी। तो अलगू अपने दोस्त को गले लगाता है, ग्राइड रोता है कि यार ठीक है, हम वापस से दोस्त बनते हैं। और जैसे ही उसके जो आंसू होते हैं वो दोनों के बीच में जो नफरत थी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो दूर कर देती है और दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं। तो ये था सेशन। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।